बात करें छोटे बच्चों का, जिनके साथ अगर हम मोहब्बत से बात करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद में आप जाएंगे ना, वो बच्चे को शौक होता है मस्जिद में नमाज पढ़ने का, वो आगे बैठ जाता है। बड़े जो है अक्सर देर में आते हैं, अब वो बाद में जो आने वाले हैं बच्चों को जो है ना डांट डांट के भगाते हैं मस्जिद में से, या अभी जैसे यहाँ बैठे हुए ऐसे बच्चों को भगा देंगे चल उधर बैठ। क्या पता उस बच्चे की वजह से हमारी इबादतें कबूल हो रही है। अगर एक बच्चा किसी बड़े के साथ खाना खाता है तो उसका हिसाब नहीं लिया जाता, ठीक है ना। बच्चे तो बच्चे हैं, आज हम इस बच्चे को डांट के भगाएंगे तो उसके दिल में बड़ी रंजिश होगी। हमें तो इन बच्चों को आगे रखना चाहिए हर काम में, कल ये बच्चे जवान होंगे, अगर हम अच्छी सोहबतों से इनको महरूम करेंगे तो ये बच्चे अपने दिलों पे क्या असर लेंगे। आजकल तो माशाल्लाह वैसी जो है ना, बच्चों को अपने माँ बाप खुद खराब करें, अच्छे से अच्छा मोबाइल दिला रहे हैं। ये जवान नस्ल जो है मोबाइल से ऐसी खराब हो रही है कि हीरोइन से भी बढ़कर नशा है। हीरोइन वाले को तो आदमी जो है ना डांट डांट के मना कर देगा उसको हीरोइन लेने, तो वो दूर जाएगा, लेकिन ये बच्चे जो मोबाइल से, इनका जहन खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही है। जो मोहब्बत इंसान अपने यार दोस्तों में, माँ बाप को या घर में रिश्तेदारों को देता है, वो सारी मोहब्बत तवज्जो जो है ना मोबाइल में जा रही है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को इस टच मोबाइल से बचाएं। ये टच मोबाइल ऐसी चीज है कि बच्चा इससे बिल्कुल खराब होता है, बड़ा भी खराब हो रहा है इससे। मैंने भी टच मोबाइल रखा हुआ है, मैंने एक दिन एक घंटे चलाया तो मुझे पता है कि मेरी तवज्जो उसमें कितनी लग गई। तो टच मोबाइल जो है ना, ये नेट जो चल रहा है, इसमें आदमी कोई चीज मंगाता नहीं है, खुद ब खुद आते हैं इसमें टेलर। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को तालीम के साथ इस टच मोबाइल से बचाएं। टच मोबाइल के साथ ये नेट जो है ना, ये बड़ा खराब करता है। तो हम सब अब मिलकर जिक्र करेंगे, एक साथ आवाज निकालनी, आंखें बंद करके जिक्र करें बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह मुसल्लाला सैयदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मद। ये थोड़ी लाइट बंद कर देना, लाइट बंद करना, एक लाइट बंद कर, रोशनी तो रहेगी, उससे दोनों बंद कर दो।